सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो अभी सुबह सुबह आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कल रात को बहुत ख़राब से हवा आया था, तो उसके वजह से अपना घर का जो है ये जो वाल था वो गिर गया, मतलब ना हवा उस तरफ से ऐसा ज़ोर से आया तो इस तरफ से। तो रात को तकरीबन अराउंड 1 बजे ऐसा को तो अपन उठे, मैं और पिताजी, तो उसके बाद इसको मतलब लगाया। तो अभी भाई लोग आया है, तो अभी गाड़ी वाड़ी निकल के हम लोग जा रहे हैं वो लेने के लिए, मतलब लकड़ी लेने के लिए, सो इसको फिर से री बनाने के लिए। तो अभी मैं, दो भाई और आया एकदम, तो दो भाई आए हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे अभी यहाँ से लकड़ी लेके, मिल से लकड़ी लेके आएंगे। तो बने रहेगा ब्लॉग पे, तो मिलते हैं आपको आगे मिल पे गाइस। तो गाइस हम लोग मिल के वहाँ आ गए हैं अभी। तो मेरे साथ है यहाँ पर भाईजान, और अभी बस पिताजी का वेट कर रहा हम लोग। वहाँ पर मिथुन है, एक घास चर रहा है वो मस्त से। और मौसम की बात करें तो भाई बारिश हो सकता है, ये देखो इस तरफ काला है पूरा बादल। So, तो पहुंच गए हम लोग मिल पे, अभी माल लोड हो रहा है। यहाँ पे माल थोड़ा सा कम हो गया तो इसीलिए कटिंग हो रहा है यहाँ पे, तो अब लोड खत्म होने वाला है। वहाँ पे 3 पीस और पड़ा हुआ है, कट करके ला रहे भाई लोग। तो माल लोड हो गया, अभी निकल रहे हैं हम लोग। तो मेरे पास और एक पैसेंजर ऐड हो गया यहाँ पे, लेकिन कीचड़ बहुत है यहाँ पे। ये जहाँ से आया वहीं से जाना पड़ेगा, इधर से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ क्योंकि टिन जो है ये उसी के साइज पे ही बैठेगा, क्योंकि ये उस तरह से मिलाया गया है। तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली सब लकड़ियाँ ख़त्म ही हो गए, तो ये है 16, यहाँ पे होगा 17। भाई लोग को बाद में काम करते वक्त आराम होगा इसको निकालने का। तो बस यहाँ पर 2 लकड़ी है, एक ही है, एक तो चला गया वहाँ पर। इसको अभी सफा करते हैं, अंदर को झाड़ू मार देता हूँ, फिर उसके बाद अंदर घुसा देता हूँ गाड़ी को। हवा आके पूरा टूट गया तो चालू हो जाएगा ये। सो तो गाइस टोटली ही
मतलब ख़राब हो गया था ये, तो अब टोटली रिप्लेस काट वगैरह है। गाइस बाज़ार गया था तो मेरा बाइक पूरा मिस कर रहा था, तो गैरेज में छोड़ दिया। तो अभी बाज़ार से सामान लेने के बाद तो यहाँ पर स्कूटी, जो गैरेज पे गैरेज वाले की स्कूटी लेके जा रहा हूँ, तो गैरेज जा रहा हूँ मैं अभी। देखते हैं उसने टंकी खोल के वॉश कर रहा होगा, क्योंकि पानी ज़्यादा पानी घुस गया होगा टंकी पे, तो उसके लिए स्कूटी लेके ही जा रहा हूँ। क्या हुआ प्रॉब्लम? पेट्रोल खराब है? मेरा जो आई आता है ना, हाँ, उसका अंदर वायरिंग में शॉर्ट है। अच्छा, बनना आता है तो इस टाइम में नहीं बनता है, छोड़ने से तब बनेगा, खुलना पड़ेगा, समझ गए? यस करना 100%। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम दिखाओ तो, इसमें क्या है? अरे भाई क्या हुआ है, देखो देखो पानी में कचरा है। ओ, कार्बोरेटर साफ कर दिया? हम सोचा पानी है बोल के, लेकिन ऐसा है क्या? नया डालना पड़ो, पूरा खराब ना। बस 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 बस, कितना हुआ? 355 355 का घुसा मतलब इसके अंदर ना। इसको साफ कर दिया? वेरी गुड। प्लग भी देख दिया भाई? वेरी गुड। ओ बाजू वाला भी, इसको भी कर दो, और यहाँ से भी निकाल दो, तेल निकाल दिया ना। क्या चीज बोलने वाला था? ये मतलब कौन सा बुलेट में लगाए तुम? हे तो ये क्या में लगाए थे? तो ये गार्ड अलग अलग हो सकता है, डिजाइन कौन सा वाला कैरियर मंगाया था तुम? लेकिन वो कैसे लगे, दिखाओ हमको, कहाँ लगा है? 5 साल से तो इसी में चल रहा है। ठीक है, सिंगल में तो उसमें भी नहीं लगते ना, डबल कैरी करने से लगता है। डबल कैरी तो जाता है इसमें, डबल तो समझाओ, डबल कैरी कहाँ लगने का जगह का है? हाँ समझाओ, लगा के इधर से तीन आदमी बैठ के वहाँ से हम बोले क्या हो गया? क्या काम करता है? उसका सस्पेंशन खराब होगा? सस्पेंशन नहीं, ये फिर गाड़ी में लगाने से पहले तो ठीक था ना, सोकर खराब होगा। हाँ अरे क्या बात करते हैं, सोकर खराब होगा। कहाँ काम है करने के भाई तुम? सोकर खराब होने से तो बिना कैरियर भी मिट मर जाता है। हाँ ओ वाला कैरियर लगने का मन लग रहा है। आप लोग देखा है उस दिन तीन आदमी बैठ के मांडे उसके राम बोला क्या हो गया, तीन आदमी बैठ कर अभी बीमारी पता चल रही है। प्लग अच्छा था ना भाई? कहाँ जाना था, अभी ग्राउंड पे जाने का बात हो रहा था, तो यहाँ पर बाइक का बारिश और वॉश के चक्कर में पूरा तेल में पूरा पानी हो गया। अभी नया तेल है यहाँ पे, आपने देखा ही है, बस नया नया तरकीब देखो। वाला
फेस दिखाओ। सो गुड मॉर्निंग गाइज, और आज फिर एक नया व्लॉग के साथ। एक्चुअली व्लॉग तो नया नहीं है, कल का इस कंटिन्यू वाला व्लॉग ही है। क्या हुआ मतलब सीन, कल इधर उधर दौड़ दाड़ के अपना तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया, तो अभी सुबह सुबह पहुँचे हैं विवेक के यहाँ। एक्चुअली विवेक के यहाँ नहीं, एक्चुअली यहाँ आ रहा हूँ मैं ये चीज़ लेने के लिए, घर के लिए वॉशर। तो अभी वॉशर वो उस पर वॉल बना रहा ना घर का, उस दिन जो हवा से उड़ गया था ना उसके लिए। तो भैया के यहाँ आ रहा है। देखो यार बारिश भी चल रहा है। कैसा वाला भैया दिखाए, ये साइज बड़ा है ठीक है, देखो। हाँ 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 चलेगा, चलेगा। कितना ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, 30 रुपीज़ जैसा का दे दिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं है उस पर। किधर है पैसा, कहाँ रखा मैंने, ये लीजिए। ओ 40 रुपये दे दीजिए, 30 रुपीज बोल रहा हूँ। क्या कैसे करके आता है ये देख रहा है ना, अभी तक बिल भी नहीं देखा है इसका, आया ही कल आया। अच्छा ये बोल रहा है के बिल भी देखा नहीं है, पूरा था है, पता नहीं कहाँ चला गया ये ना, था एक बार नल में। यार अब काम भी कैसे होगा, बारिश ही चल रहा है, बारिश का मौसम चालू हो गया गाइस। और यार कल का तबीयत की बात करें तो भाई तबीयत बहुत ख़राब, ख़राब से ख़राब हो गया था। बस मेरा ब्लड प्रेशर लेवल हाई हो गया था, फिर इस साइड से ना बस पूरा दर्द कर रहा था, तो मैं दुकान आया, दुकान के बाद डायरेक्टली घर जाके गया, टोटली रेस्ट, क्या बोलूँ। और फिर बारिश आ रहा है, भाई लोग वहां पे काम कर रहे हैं। कल एक बार चेक किया था बीपी, अभी फिर एक बार चेक करेंगे। कल तो 140/100 था, आज कितना है पता नहीं, माथा तो पूरा दर्द कर रहा है मेरा। আছে নেকি এইটো লিকুইড টো ভাই বোল কি থা ডিহাইড্রেশন কাজ প্রবলেম হো এক ও আর এস দিয়ে দিয়ে চলো মুশকিল নিয়ে পি লেতে ভাই। तो आज यहाँ का बनेगा, आज तो कंप्लीट नहीं होगा। हाँ आज कंप्लीट हो जाए, इस पूरा सड़ गया था ना काट, देखो ना इतना बारिश। चलिए कितना लाइक 4 इयर्स जैसा हो गया था इसको, हाथ से तो करेगा, तो लो मशीन लाया था नहीं, मशीन भी होता है इसका ना।
चंदा करने के लिए। एक तो ड्रिल भी खरीद लेना है ना बड़ा वाला है। सो तो गाइस बस अब लास्ट दो लगेगा, उसके बाद कंप्लीट तो खत्म हो जाएगा। खत्म सो तो आशा करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। टिल देन मिलते हैं अगले से व्लॉग में गाइस, अभी मेरे को दुकान भी जाना है। टिल देन बाय 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 बाय।